So, morning everyone. Let's start from the previous topic. Yesterday we were on the topic how DSP works, or in other words, you can say what is the basic block diagram of DSP, right? So, come to the block diagram of the DSP. This is the basic block diagram of typical digital signal processing system, right? You can see here is the analog signal input. This is the input signal, right? This is the input signal, which is always analog. As yesterday I was told that in real world, all signals, every signals which we are incorporating are all analog signals, right? वो सारे signals जो हम real world में देखते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, वो सारे signals कैसे हैं? Analog. अब उस analog signal पर जब हमें डिजिटल प्रोसेसिंग करनी होगी तो हमें उसको क्या करना होगा? वी शुड कन्वर्ट दिस दैट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, राइट? सो हाउ कैन वी डू दैट? दिस इज द प्रोसेस. वी हैव टू यूज एंटी अलियासिंग फिल्टर. फर्स्ट वी हैव टू यूज एंटी अलियासिंग फिल्टर for the process of converting analog signal into digital signal. And after that, after this anti-aliasing filter, we have to use sample and hold circuit, right? We have to use sample and hold circuit. And after that, in this ADC, we are using quantization. Quantization, right? So, यहां पर हम क्या यूज करेंगे? क्वांटाइजेशन, ठीक है? तो इस पूरे सिस्टम को मिलाकर, इस पूरे सिस्टम को जिसमें एंटी अलियासिंग फिल्टर है, सैंपल होल्ड सर्किट है, एडीसीए मींस क्वांटाइजर है, इस पूरे सिस्टम को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी, राइट? ये पूरा सिस्टम मिलाकर क्या बनता है? एडीसी, ठीक है? Now, after that, after converting an analog signal into digital signal, what we receive? We receive a digital number, not only a single digital number, it is a sequence of digital numbers, sequence of numbers. Now, yesterday I told you, digital means digits, not only 0 and 1, but here, you see 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 and 1 0 0 1 1. These three numbers are there and these all are binary numbers, right? तो जब ये सारे numbers binary हैं और मैंने कल बताया था digital means digits, तो ये binary किस लिए हैं? मैंने आपको कल बताया था कि डिजिटल सिग्नल हमेशा कहां मिलता है? किसी डिजिटल सिस्टम के अंदर. और मैक्सिमम ऑफ डिजिटल सिस्टम्स आर वर्किंग ऑन बाइनरी डेटा. दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दिस डिजिटल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, राइट? तो इस क्वांटाइजेशन के बाद जो हमें कोड्स मिलते हैं, वो कोड्स किसमें मिलेंगे? बाइनरी नंबर्स, ठीक ना? और वो कंबाइंड बाइनरी नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक डिजिटल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक? सो आफ्टर दिस प्रोसेस, आफ्टर दिस एडीसी, वी विल रिसीव सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर विल गो टू द डीएसपी, द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. And this processor will process on that input, on that binary data. And after processing,
the data we will receive, the processed data we will receive will be transferred to DAC, digital to analog converter, just to convert back the digital data into analog data, a digital signal into an analog signal, right? तो यहां से हम क्या करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल इनपुट मिला, रियल वर्ल्ड में हमेशा क्या मिलता है हमें, एनालॉग सिग्नल, ठीक ना? तो जब हम रियल वर्ल्ड में सिग्नल को भेजेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, क्या होना चाहिए, एनालॉग सिग्नल, ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे हो कि यह एक एनालॉग सिग्नल इनपुट, जिसको हमने कंप्लीट एडीसी का जो प्रोसेस है उससे हमने डिजिटल में कन्वर्ट किया, डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको हमने डीएसपी प्रोसेसर के अंदर दिया, प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करता है व्हाट वी नीड, व्हाट प्रोसेस वी नीड वो प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो आउटपुट देगा, प्रोसेस्ड आउटपुट देगा, उस प्रोसेस्ड आउटपुट को हम फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, और उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है, डीएसी एंड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, डीएसी और रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का कॉम्बिनेशन यूज करके हम क्या करते हैं, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक? तो डीएसी क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये जो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ये बहुत स्मूथ नहीं होता है, उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का यूज किया जाता है, विच इज बेसिकली आरसी फिल्टर, राइट? वहां से फिर जो आपको डेटा मिलता है वो डेटा क्या है, ये एनालॉग सिग्नल, ठीक? तो अगर हमें सिर्फ एक एनालॉग सिग्नल को एनहांस करना है, डिजिटली एनहांस करना है, तो ये प्रोसेस आपका है, मींस इस डीएसपी में प्रोसेस क्या हुआ, इस डीएसपी में प्रोसेस एनहांसमेंट का हो रहा है, इस डीएसपी में प्रोसेस क्या हो रहा है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का हो रहा है प्रोसेस, राइट? इससे अलग कोई और प्रोसेस नहीं हो रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डीएसपीज आर एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर but are different from general purpose microprocessors in a couple of significant ways. तो DSP और general purpose microprocessor में कल मैंने कुछ introduction दिया था, कुछ differences बताए थे। तो क्या है differences? Typically microprocessors are designed for general purpose functions and operate with large software packages. तो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर्स हैं, वो जनरल वर्क करते हैं, जनरल पर्पस वर्क करते हैं, मींस कोई भी प्रोसेस को आपके सिस्टम को करना होगा, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है, जैसे आपने प्रोग्रामिंग की तो प्रोग्रामिंग का रिजल्ट भी देगा, आपने ऑडियो सिग्नल दिया तो उसको प्ले भी करेगा, वीडियो सिग्नल दिया तो उसको भी रन करेगा, ठीक? तो ऐसे बहुत सारे काम आपके जनरल पर्पस प्रोसेसर के होते हैं। अब अगर उस एक जनरल पर्पस प्रोसेसर को हमने डिजिटल प्रोसेस करने के लिए भी कह दिया तो करेगा तो, लेकिन उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा उसके लिए, हो सकता है आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए हैंग भी, ठीक? तो इसके लिए आपके सिस्टम में क्या प्रोविजन होता है, होता यह है कि आप अपने सिस्टम में अपने इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन आपका जो जनरल पर्पस प्रोसेसर है वो डीएसपी प्रोसेसर को देगा, ठीक है? और जो डीएसपी प्रोसेसर है फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक ना? क्योंकि डीएसपी क्या है, डीएसपी इज अ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, वो क्या लिख रहा है, डीएसपीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस, दे आर वेरी फास्ट नंबर क्रंचर्स that must work in real time by processing information as it happens using specialized algorithms, right? So DSPs are basically designed for special purpose processing, basically specially designed for digital signal processing, right? So जो आपके DSPs हैं वो basically इसीलिए designed ही किए गए हैं कि आप वेरी फास्ट वे में आपके डेटा को कैलकुलेट कर सकें, प्रोसेस कर सकें, राइट? जैसे
आपको जब कैलकुलेशन करना होता है तो आप कैलकुलेटर का यूज करते हो, कंप्यूटर का बहुत कम यूज करते हो, कैलकुलेटर का यूज करते हो, ठीक ना। तो ऐसे ही अगर आपको डिजिटल प्रोसेस करना तो आप डीएसपी प्रोसेसर का यूज करेंगे, ठीक ना। ऐसे ही जब आपका सिस्टम आप इंस्ट्रक्शन पाता है कि आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है तो वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को सेंड करेगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के पास, फिर वो जो प्रोसेसर है दैट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट वर्क ओनली, वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और फिर आपके सिस्टम को रिस्पॉन्स देगा और तब आपका सिस्टम उस रिजल्ट को डिस्प्ले, ठीक है। What are the advantages of digital signal processing over which analog signal processing? पहले हमारे पास जो प्रोसेसिंग हुआ करती थी सिग्नल प्रोसेसिंग पहले से यूज हो रहा है, जब से कम्युनिकेशन पिक्चर में आया है, जब से हम एक दूसरे से बात करने का काम शुरू किए हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तब से आपका सिग्नल प्रोसेसिंग पिक्चर में है, ठीक है। जब से टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई तब से सिग्नल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ। तो जब कभी भी आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वहां आप सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगे, कहीं भी किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे तो वहां आप सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगे। अब वो सिग्नल प्रोसेसिंग डिजिटल होगी या एनालॉग होगी दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो पहले जब सिग्नल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो उस समय डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं था, क्योंकि डिजिटल वर्ड ही बाद में आया है, ठीक है। हमने चीजों को डिजिटलाइज करना बाद में स्टार्ट किया, पहले हमने क्या किया, पहले हमने उस एनालॉग सिग्नल को ही प्रोसेस किया। जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा माइक्रोप्रोसेसर और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स में, कि पहले आपके जो डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, कंप्यूटर्स ये सब बनते थे, ये बहुत बड़े बड़े बनते थे। आपका जो कंप्यूटर होता था वो एक बड़े से हॉल के बराबर होता था, क्योंकि सीआरटी इतनी बड़ी होती थी। तो वहां पर जो डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, सिग्नल प्रोसेसिंग हो रहा है, वो कैसा था, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग था। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई, धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई, जो बड़ी चीजें थी वो छोटी होती गई, कॉम्पैक्ट होती गई, और हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर प्रोग्रेस करने लगे। हर चीज हमने डिजिटलाइज कर ली, सारे सिग्नल्स हमने डिजिटलाइज करने स्टार्ट कर दिए, डिजिटलाइज कर लिए, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि हमने एनालॉग से जो डिजिटल बनाया उस डिजिटल से बेनिफिट क्या क्या हुआ। हम एनालॉग तो यूज कर ही रहे थे, अच्छे से यूज कर रहे थे, फिर डिजिटल बनाने का क्या फायदा हुआ। तो सबसे बड़ा फायदा डिजिटल बनाने का क्या हुआ, डिजिटल बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि चीजें कॉम्पैक्ट हो गई, पोर्टेबल हो गई। दूसरा जो फायदा हुआ डिजिटल बनाने का वो ये हुआ कि जो एरर्स आती थी एनालॉग सिस्टम में वो एरर्स कम हो गई, ठीक ना। अब जो हमने प्रोसेस किया वो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस किया, और डिजिटल डेटा जो रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, तो वहां वायरस या कोई भी अनवांटेड सिग्नल कहां से अकर करेगा, तो वहां कोई अनवांटेड सिग्नल अकर नहीं कर सकता, उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। अनवांटेड सिग्नल अगर इफेक्ट करेगा तो कहां करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल को इफेक्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल को इफेक्ट नहीं करता है। तो हमें करना क्या है, जो एनालॉग सिग्नल में अनवांटेड सिग्नल का इफेक्ट है उसको डिजिटली रिमूव करना है, रिड्यूस करना है जितना हम कर सकते हैं, और फिर उसको जब हम एनालॉग बनाएंगे तब वहां थोड़ा बहुत अकर करेगा आपका अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। उसके बाद जो आपको सिग्नल मिलेगा बहुत ही इंप्रूव्ड क्वालिटी का सिग्नल मिलेगा, ठीक है जी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ओवर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग,
First, digital signal processing has a high level of accuracy. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हैज अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिजिटल जो डेटा है उसमें और एनालॉग डेटा में क्या डिफरेंस है, एक्यूरेसी. सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हैज अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी. द फिल्टर्स डिजाइन इन डीएसपी हैव फर्म कंट्रोल ओवर आउटपुट एक्यूरेसी एज कंपेयर टू एनालॉग फिल्टर्स. Unlike analog circuits, the operation of digital circuits does not depend on precise values of the digital signals. As a result, a digital circuit is less sensitive to tolerances of component values and is fairly independent of temperature, aging, and most other external parameters. Means कि आपका जो डिजिटल सिस्टम है वो प्रिसीजन पर वर्क नहीं करता है, एक्यूरेसी पर वर्क करता है. अगर हम प्रिसीजन को लेकर चलेंगे तो प्रिसीजन के साथ बहुत सारे नॉइसेस क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, तो हम एक्यूरेसी को लेकर चलते हैं और इस वजह से आपका जो डेटा है, आपका जो सिग्नल है, उसमें हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी मिलती है बाय यूजिंग डीएसपी. और वही अगर आप एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग यूज करेंगे तो वहां आप हाई प्रिसीजन डेटा पाएंगे, बहुत ही प्रिसाइज डेटा आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ अनवांटेड सिग्नल्स, नॉइज आकर करेंगे. ठीक है, द रिकन्फिगरेशन इन an analog system is very much tough because the entire hardware and its component will have to be changed. जो एनालॉग सिस्टम है, एक सिस्टम आपने बना लिया, उस सिस्टम को अब आपको रिकन्फिगर करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रह रही है. जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक ना, पहले इस कंप्यूटर में पेंटियम 3 प्रोसेसर लगा था. ठीक, पेंटियम 3 प्रोसेसर लगा था, उस पेंटियम 3 प्रोसेसर के बाद पर ही क्या चलता था, डॉस. वो डॉस के लिए डिजाइन था, लेकिन क्या उस पर सिर्फ डॉस ही चलता था, उस पर फिर विंडो एनटी भी डला, उस पर फिर विंडो 98 भी डला, उस पर विंडो एक्सपी भी डला. ठीक है, तो जहां तक उसकी कैपेसिटी थी आपने उसको यूज किया. फिर P4 आया, P4 पर भी आपने 98, विंडो विस्ता, विंडो एक्सपी, ये सारी चीजें आपने P4 पर भी डाली. आपने कोशिश किया कि उस P4 पर आप विंडो 7 भी यूज करें, लेकिन उससे क्या हुआ, रन तो करता था, सिस्टम थोड़ा हैंग होने लगा. ठीक, उसके बाद फिर आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा कोर आई सीरीज या कोर 2 डुओ, उसके बाद कोर आई सीरीज. ठीक है, तो ये जो एडवांस्ड प्रोसेसर्स बने, एडवांस्ड प्रोसेसर्स बने, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को देखकर बने. लेकिन क्या पुराने जो हमारे प्रोसेसर्स थे उन पर ये नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, थोड़ी लिमिटेशंस के साथ उन पर यूज हो सकती थी. उसको हमने क्या किया, सिर्फ मदरबोर्ड बाद में चेंज कर दिया, बाकी सारा सिस्टम वही है, सिर्फ मदरबोर्ड चेंज कर दिया, आपका सिस्टम नया हो गया, नई टेक्नोलॉजी के साथ कूप अप करने लायक. ठीक, लेकिन अगर यही एनालॉग सिस्टम होता, अगर यही एनालॉग सिस्टम होता तो क्या सिर्फ मदरबोर्ड चेंज कर देने से ही आपका पूरा सिस्टम सही हो जाता? नहीं, वहां पर पूरे सेटअप को चेंज करना पड़ता. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल एनालॉग सर्किट का, आप एक पावर सप्लाई बनाते हो, आपके पास 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है. ठीक है,
उस 220 वोल्ट की सप्लाई से आप 12 वोल्ट की सप्लाई बनाते हो, लेकिन अब जो 12 वोल्ट की सप्लाई आप बना रहे हो वो किस पर्पस के लिए बना रहे हो वहां पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक सिंपल एलईडी बल्ब जलानी है जो 12 वोल्ट पर जलती है, तो उसका जो आप अडाप्टर लेंगे या उसकी जो आप सर्किट बनाएंगे उसके डायोड्स, रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर आप वहीं पर उससे हाई पावर का, हाई वोल्टेज का एलईडी लगाएं जो 12 वोल्ट पर ही चले, तो वोल्टेज तो उतना ही होगा, क्योंकि वोल्टेज डिफर कर गया तो आपको तुरंत उसकी सर्किट चेंज करनी पड़ेगी। आपने जो सर्किट बनाई है उस पर वो एलईडी कभी नहीं जलेगी। उसके लिए जो आपको ड्राइवर बनाना होगा, उसके रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, इंडक्टर्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पूरा आपको चेंज करना है। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको जब एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में जाना होगा तो आपको उसमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अभी जो आप एक सिर्फ एलईडी के लिए यूज कर रहे हो अडाप्टर, उसमें जो आपने ट्रांसफार्मर लगाया होगा वो बहुत छोटा ट्रांसफार्मर आपने लगाया होगा, बहुत कम करंट कंज्यूम, बहुत कम करंट वाला ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किया। लेकिन अगर उसी 12 वोल्ट का आपको एक बैटरी चार्जर बनाना है तो वहाँ आपको बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना होगा, अराउंड 5-10 एम्पियर और 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आपको लगाना होगा। ठीक है, मीन्स पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। उस छोटे सिस्टम से बड़ा सिस्टम कभी नहीं चल पाएगा, या आप कहें कि आप बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम को चला लें तो भी पॉसिबल नहीं है। आपने अगर एक बड़ा बैटरी चार्जर ले लिया और आप उससे एक छोटी एक एलईडी जलाएंगे तो हो सकता है कि आपकी एलईडी ग्लो कर जाए। ठीक है, हाई पावर मिलेगा उसको, हो सकता है वो ग्लो कर जाए। ठीक, तो इस वजह से द रिकन्फिगरेशन इन एन एनालॉग सिस्टम इज वेरी मच टफ, बिकॉज द एंटायर हार्डवेयर एंड इट्स कंपोनेंट विल हैव टू बी चेंज्ड। ऑन द कंट्रेरी, अ डीएसपी रिकन्फिगरेशन इज मच मोर कंफर्टेबल एज ओनली द कोड और द डीएसपी प्रोग्राम नीड्स टू बी फ्लैश्ड आफ्टर मेकिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो बताया आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में था, जनरल पर्पस प्रोसेसर लगा है। जब जनरल पर्पस प्रोसेसर को हमें चेंज करने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है तो ये तो सिर्फ एक डीएसपी है, आर्किटेक्चर सेम है, डीएसपी का आर्किटेक्चर सेम है। आपको करना क्या है, सिर्फ कोड्स चेंज करने हैं। कोड्स चेंज करते ही आप का जो पर्पस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कोड्स चेंज करते ही आपका जो डीएसपी प्रोसेसर है वो पहले जिस काम के लिए यूज होता था वो अब नए काम के लिए यूज होने लगे। ठीक है, द इंटरफेस टाइप्स ऑफर्ड बाय डीएसपी आर मेनी, लाइक यूआरट, आई2सी एंड अदर्स। तो जो डीएसपी का इंटरफेसिंग है आपके जनरल पर्पस प्रोसेसर के साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ, भाई अकेले डीएसपी कुछ नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए एक जनरल पर्पस प्रोसेसर चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। ठीक ना, या ये कहें कि ये जो डीएसपी है ये जनरल पर्पस प्रोसेसर का एक सपोर्टिंग स्टाफ है जो अकेले कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो इसको काम करने के लिए कोई और, या तो कंट्रोलर हो या कोई और प्रोसेसर हो जो इसको इंस्ट्रक्शन दे और उसके अकॉर्डिंग ये काम करे। ठीक है जी, तो जैसे आप UART का इंटरफेसिंग करते हैं, I2C का इंटरफेसिंग करते हैं, या कोई और IC है जिसको आप इंटरफेस करते हो आपके प्रोसेसर के साथ, वैसे ही आप DSP को भी इंटरफेस कर सकते हो। दिस हेल्प्स इन इंटरफेसिंग
other IC is with the DSP. Okay, na? Now, the combination of DSP interfaced with FPGA helps in designing the protocol stack of the whole wireless system like WiMAX, LTE, etc. In this type of architecture, as per the latency requirements, few of the modules are ported on FPGA and the other few on DSP. अब जो आपका DSP है उसको आपने FPGA के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है? अब ये नई टेक्नोलॉजी बन गई, DSP को आपने FPGA के साथ कंबाइन कर दिया, अब ये नई टेक्नोलॉजी बन गई। DSP में भी आप प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम करेंगे आप स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन के लिए, और FPGA को जब आप प्रोग्राम करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो भी एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर बनेगा। मतलब अब आपको एक माइक्रो प्रोसेसर या जनरल पर्पस प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको एक FPGA बोर्ड लेना और एक DSP लेना, इन दोनों को इंटरफेस कर देना है। अलग आप FPGA की प्रोग्रामिंग करेंगे, अलग आप DSP की प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट? FPGA में आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जहां पर DSP की जरूरत है आपने तुरंत DSP को सिग्नल दिया और DSP उसका आपको सोल्यूशन दे, राइट? Implementation in digital is much more cost effective than its analog counterpart. ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, कई जगह ये बहुत हाई कॉस्ट का भी हो जाता है। जब हमें बहुत हाई एप्लीकेशन करने होते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कॉस्टली भी हो जाता है। लेकिन कॉस्टली होने के साथ साथ ये एक ड्रॉबैक वहाँ आता है, डिसएडवांटेज वहाँ एक आता है डिजिटल सिस्टम का, डीएसपी का, कि वो हाई कॉस्ट का बन जाता है आपका सिस्टम। लेकिन साथ ही साथ बहुत एक्यूरेट डेटा, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट भी आपको देता है, ठीक है जी? और उसी एक्यूरेसी की वजह से हम उस कॉस्ट को भूलकर डिजिटल सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक? द डिजिटल सिस्टम इन डीएसपी कैन बी इजीली कैस्केडेड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन लोडिंग। किसी भी डिजिटल सिस्टम को हम इजीली कैस्केड कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि एनालॉग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ही टफ है। एनालॉग सिस्टम में कैस्केडिंग बहुत ही टफ है, जबकि डिजिटल सिस्टम में कैस्केडिंग बहुत सिंपल है, ठीक? डिजिटल सर्किट्स कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज कॉस्ट इफेक्टिव। जैसा कि आप जानते हो, आईसीज जो डिजाइन होती हैं, आईसीज एक ही वेफर पे बहुत सारी आईसीज डिजाइन हो जाती हैं, तो एक ही बार आपको प्रोसेस करना है और उस एक बार के प्रोसेस में आपके हजारों आईसीज रेडी हो जाती हैं, ठीक? तो डिजिटल सर्किट्स कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड। अभी तो हमने बताया कि कोई आईसी आप इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली। कॉस्ट इफेक्टिवली मींस कि आप एक साथ बहुत सारे आईसीज जब डिजाइन करेंगे, जैसे थोक में सामान लो तो सस्ता पड़ता है ना, थोक में सामान लो तो फुटकर के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। सेम वही केस यहाँ आता है कि आप ह्यूज अमाउंट में जब कोई आईसी प्रोड्यूस करते हो, फैब्रिकेट करते हो, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, बजाय इसके कि आप एक आईसी प्रोड्यूस करो, एक आईसी फैब्रिकेट करो, ठीक है? तो जो आपका डिजिटल सर्किट है वो भी तो उन्हीं आईसीज को लेकर बनता है, ठीक ना? तो डिजिटल सर्किट्स में चूंकि वही आईसीज लगती हैं, इस वजह से
एक ह्यूज अमाउंट में आप डिजिटल सर्किट प्रिपेयर कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट में आपके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, आप उनको डिजिटली कनेक्ट करके आप एक डिजिटल सर्किट इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा एक सिस्टम हमारे पास है, डिजिटल सिस्टम हमारे पास है, जैसे एक मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल फोन का सर्किट हमें पता हो, सारे कंपोनेंट्स हमारे पास हो, तो उसको असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा? करना क्या है, जहां जहां कंपोनेंट फिट करने हैं वहां वहां फिट कर दिया, बोर्ड पर रख के सोल्ड कर दिया, ठीक, इतना ही तो काम है, इससे अलग कोई और काम नहीं। इसलिए डिजिटल सर्किट्स कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज। एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल बिकॉज डिजिटल सिग्नल्स कैन बी प्रोसेस्ड ऑफलाइन। तो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, एक इस वजह से भी पॉसिबल है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए पोर्टेबल सिस्टम, ठीक, छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, पोर्टेबल हो। तो छोटा कॉम्पैक्ट पोर्टेबल सिस्टम आप डिजिटल सिस्टम में बना सकते हो, ठीक, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन की, कि अगर हमने कहीं कोई सिस्टम बनाया हुआ है और अगर वो सिस्टम सिर्फ उसी सराउंडिंग्स में काम करेगा तो उसको हम कहीं ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाएंगे। तो डिजिटल सिस्टम्स के साथ ऐसा इश्यू नहीं है, डिजिटल सिस्टम्स एक अलग ही सेटअप पूरा हो जाता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपका है। अब कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपको पावर सप्लाई खींच कर ले जाना पड़ेगा, आप कंप्यूटर ले जाइए कहीं भी सेट कर लीजिए, कहीं भी सेट कर लीजिए। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के लिए अलग से आपको पावर सॉकेट खींच कर तो नहीं ले जाना पड़ेगा, मोबाइल फोन के अंदर बैटरी आपने फिट कर दी है, वो अपने आप में सफिशियंट है, उसको आपको चार्जिंग देनी है, किसी भी पोर्ट में आप लगाकर चार्ज कर सकते हो, ठीक। तो काफी पोर्टेबल सिस्टम होते हैं और इनको कहीं भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, और उससे उनके वर्किंग पर, एक्सेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजिंग द डीएसपी मेथड, सोफिस्टिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स कैन बी इंप्लीमेंटेड। चूंकि डीएसपी में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम उस प्रोग्रामिंग के तरीके को चेंज कर सकते हैं, लॉजिक को चेंज कर सकते हैं, और कोई भी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग एल्गोरिथम होगा उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इतने एडवांटेजेस के साथ हर सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कोई भी सिस्टम है, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मोबाइल फोन है, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। आज की डेट में जहां पर, जब हर जगह COVID-19 पेंडेमिक एक्टिव है, कोई कहीं जा आ नहीं सकता है, उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पे आपका जो मोबाइल है वो आपके लिए बहुत कुछ है। आपको किसी से बात करना है, मोबाइल से आप कर सकते हो। किसी से टच में रहना है, मोबाइल से कर सकते हो। कोई न्यूज़ देखना है, मोबाइल से देख सकते हो। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैक्सिमम जगह आप मोबाइल से चला रहे हो, ठीक। तो मोबाइल आज की डेट में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा यूज आजकल मोबाइल का हो रहा है, ठीक। इतने एडवांटेजेस के साथ क्या इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है? बिल्कुल है। मोबाइल आएगा तो आपकी आदतें खराब होंगी, आप उसमें गेम्स खेलेंगे। दूसरी चीज, आप लगातार मोबाइल को देखें, तो अभी कल की ही न्यूज़ है, एक सर्वे में ये
ये रीड किया गया कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल से वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, उनकी वजह से बच्चों में सर दर्द की शिकायत पड़ रही है, आंखें दर्द कर रही हैं। तो ये क्या है? ये ड्रॉबैक है इस मोबाइल का, ठीक है? ये क्या है? ये ड्रॉबैक है इस मोबाइल का, राइट? सो ऐसे ही डीएसपी प्रोसेसर है या डीएसपी है, जिसके एडवांटेजेस अभी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जिसके अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। व्हेन यूजिंग डीएसपी देयर इज अ नीड फॉर यूजिंग एंटी अलियासिंग फिल्टर बिफोर एडीसी एज वेल एज यूजिंग अ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर आफ्टर डीएसी। तो ये जो दो सिस्टम्स लगे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा है, ये जो आपका है ये एक एंटी अलियासिंग फिल्टर है और ये जो यहां पर आपका लगा हुआ है ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, ठीक ना? तो ये एंटी अलियासिंग फिल्टर और ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर अपने आप में एक ह्यूज कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक? उसके बाद फिर ये सैंपल होल्ड सर्किट है, क्वांटाइजर है, यहाँ पर आपका डीएसी है, ये सारे कंपोनेंट्स डीएसपी के पहले और बाद में लगे हैं। हमारा तो जो मेन है वो डीएसपी है, लेकिन डीएसपी में सिग्नल कहाँ से आएगा? वो इतने प्रोसेस के बाद आएगा और डीएसपी से जो प्रोसेस जाए वो इतने प्रोसेस के बाद जाएगा, ठीक? तो ये जो डीएसपी के पहले और बाद में कंपोनेंट्स लगे हैं, ये कंपोनेंट्स आपके सिस्टम को ह्यूज बनाते हैं, ठीक है? सो ड्यू टू द यूज ऑफ दिस एक्स्ट्रा टू मॉड्यूल्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएसपी बेस्ड हार्डवेयर इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज डीएसपी प्रोसेसेस द सिग्नल at high speed and comprises of more internal hardware resources. Because of this, DSP dissipates higher power as compared to analog signal processing. तो ये जो internal hardware resources हैं, यहाँ पर कौन से components होते हैं? Active components होते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं दे कंज्यूम हाई पावर। वेयर एज इन एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग वी यूज मैक्सिमम ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, एंड दीज पैसिव कंपोनेंट्स कंज्यूम लेस पावर and therefore digital signal processing consume high power in comparison to analog signal processing. Each DSP has a different hardware architecture. अब अलग अलग टेक्नोलॉजी की जो DSPs हैं उनका अलग अलग आर्किटेक्चर है। आजकल जो डीएसपी चल रही है वो 6713 है, इसके पहले कोई और वर्जन था। तो इन दोनों के आर्किटेक्चर में डिफरेंस है और जब आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा तो उससे एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम जनरल पर्पस प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ करता था पहले 8008, 4004, फिर आया 8085, फिर 8086, फिर पेंटियम, फिर आपका जो है कोर 2 डुओ, फिर आपका आया आई कोर, इन सब का आर्किटेक्चर क्या सेम था? नहीं, इन सब का आर्किटेक्चर डिफरेंट।
और इन सब के आर्किटेक्चर के साथ साथ इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डिफरेंट थे। आपने 8085 और 8086 के इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे, और बिल्कुल डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ऐसे ही डीएसपी वर्जन्स भी डिफरेंट हुए, तो इनके जो आर्किटेक्चर्स थे वो भी डिफरेंट हुए, और आर्किटेक्चर डिफरेंट होने के साथ साथ आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो भी डिफरेंट हुआ। तो उस पर जो प्रोग्रामिंग करनी होगी उसके लिए क्या कोई जनरल पर्पस पर्सन उसकी प्रोग्रामिंग कर सकता है? नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग वही इंसान कर सकता है जिसको उसके बारे में पता होगा कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक ना, और इसके इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, तभी वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो ड्यू टू दिस ओनली हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स कैन प्रोग्राम द डिवाइस, एंड देयरफॉर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन डीएसपी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। वन नीड्स टू कॉशियसली यूज द आईसी एज पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, एज मोस्ट ऑफ द डीएसपी चिप इज वेरी एक्सपेंसिव। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ डीएसपीज बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, उनके यूज पे डिपेंड करता है, वो जिस पर्पस के लिए डीएसपीज है उस पे डिपेंड करता है कि उनका पर्पस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इतने हाईली एक्सपेंसिव डीएसपीज को जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से उसको यूज करना पड़ेगा ताकि वो बर्न न कर जाए, वो डैमेज न हो जाए, क्योंकि तो फिर आपका जो कंप्लीट सिस्टम होगा वो काफी कॉस्टली होगा। ओनली इन अ सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम द डिटेक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इज पॉसिबल, बट इट नॉट सो इन द केस ऑफ एनालॉग सिस्टम्स। तो सीधी सी बात है, जब आपको डिजिटल सिग्नल चाहिए तो एक स्टेबल एनालॉग सिग्नल भी चाहिए। एक स्टेबल एनालॉग सिग्नल आपके पास होगा तभी आप डिजिटल सिग्नल पा सकेंगे। अगर वो एनालॉग सिग्नल बार बार चेंज हो रहा है, रैंडमली चेंज हो रहा है, तो आप उसका डिजिटल वर्जन नहीं पा सकते, ठीक है, उसका डिजिटल वर्जन आप इजीली नहीं पा सकते। तो इस वजह से जो प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वहां आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट एनालॉग सिग्नल, और जिसको कि आप कन्वर्ट करते हो डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट, हायर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन देन एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सेम इंफॉर्मेशन। तो हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट डिजिटल सिस्टम्स के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए हमें हाई बैंडविड्थ की जरूरत है, जिससे कि हम प्रॉपर वे में अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई बैंडविड्थ, जबकि हमारे पास अवेलेबल क्या है, लो फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक। तो उसी लो फ्रिक्वेंसी रेंज में हमें कन्फाइन होकर काम करना पड़ेगा, तो कुछ लिमिटेशंस वहां देगा आपका सिस्टम, राइट। जैसे मोबाइल फोन्स आप यूज करते हो तो इसका जो बैंड रेंज है बहुत हाई है, जबकि जो हमारे पास सिग्नल है वो वीक है। तो कई बार आपको कॉल डिस्कनेक्ट होने का भी सामना करना पड़ता है, बात करते करते आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कई बार आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, मोबाइल हैंग होने लगता है,
तो ये सब इस वजह से ही होता है ना। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर फॉर टुमारो लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ डीएसपी। ओके।